तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लाना भूल चुके हो वीआईटी के अंदर, जैसे एफिडेविट आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है अपना हॉस्टल के लिए भी, डे बोर्डर के लिए भी, और साथ में जो आप लोग स्टूडेंट्स हो उनके लिए तो जरूरी है, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी रहना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को एफिडेविट्स और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर आप लोग भूल चुके हो तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि आप लोग कहाँ से ये कुछ अरेंज कर सकते हो वीआईटी के कैंपस में ही। तो ये वीडियो को पूरे एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कैंपस का भी टूर करवाऊंगा कि कौन सी शॉप्स कहाँ कहाँ पे हैं और आप लोगों को बेस्ट सर्विस कहाँ पे मिलेगी। तो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को MGR बिल्डिंग दिखाई थी, ब्लॉक दिखाया था, जिसके अंदर सारे आप लोगों के ऑफिस वर्क्स होते हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशंस वहां पे होती है। तो उसी के बैक साइड पे अन्ना ऑडिटोरियम है, वो भी मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में दिखा रखा है, तो आप लोग वो व्लॉग्स जाके चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे ही आप लोग अन्ना ऑडिटोरियम के लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को बहुत सारी जेरोक्स शॉप्स मिल जाएंगी, और वहां पे आप लोगों को बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहां पे आप लोगों के लिए एफिडेविट बनवाने की सारी प्रबंध किया हुआ है, मतलब सब कुछ अरेंज किया हुआ है, वो लोग आप लोगों का पूरा एफिडेविट बनवा देंगे। अगर आप लोगों के पेरेंट्स आपके साथ में हैं तो वो साइन भी कर सकते हैं आपके पेरेंट्स, अगर वो नहीं भी साथ में हैं तो कोरियर करके या फिर कैसे भी आप लोग अरेंज करके उनसे साइन करवा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी शॉप्स, छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप लोगों को छोटे नेसेसिटीज मिल जाएंगी, जैसे चिप्स हैं या फिर आप लोगों को वॉशिंग पाउडर लेना है, क्योंकि आप लोगों के जो अंडर गार्मेंट्स है वो लॉन्ड्री में नहीं धुलते, तो वो आप लोगों को खुद धोने पड़ते हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं वीआईटी के बारे में और थोड़े बहुत जो मेरे व्लॉग्स आते हैं वो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों की सपोर्ट की मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब करना।